सत श्री अकाल अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ इंद्रप्रीत कौर पन्नू। जदों कि भी विपता आई है सिख हमेशा मदद वास्ते अगे आए हैं। कह चाहे देश में झटिया हो या फिर विदेश के सिखा वालों बिना भेदभाव के हमेशा मदद लिए अपने हाथ अगे वधाए गए। पुलवामा के हुए आतंकवादी हमले तो बाद फैले दहशत के माहौल सिखा वालों वक्री मिसाल कायम की गई। कश्मीरी विद्यार्थियों कारोबारियों वास्ते सिख फरिश्ते बन के सामने आए हैं। जो मदद सिखा वालों कश्मीरियों की की गई उस वास्ते उन्होंने चर्चा का विषय बने हुए हैं। हुण सिखा वालों की गई मदद तो बाद कश्मीरियों ने सिखा की मदद वास्ते अपने हाथ अगे वधाए हैं। कश्मीर विच करियाना स्टोर, मेडिकल स्टोर, होटल, वकील अते होर कारोबारी सिखां नूं वख-वख ऑफर दे रहे हन। कई स्कूलों ने सिखां दीआं फीसां माफ करन दा ऐलान कर दिता है। बच्चों नूं मुफ्त वर्दियां देण दे ऑफर दिते जा रहे हन। वकीलां ने बिना फीस केस लड़न दा ऐलान कर दिता है। इसदा उह फेसबुक ते होर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मां ते प्रचार कर रहे हन। कई कश्मीरी सिख संस्था खालसा एड नूं सहायता राशि देण दी पेशकश कर रहे हैं। सोशल मीडिया ते सिखां दीआं तारीफां करदिआं उन्हां नूं असल इंसान दस रहे हैं। सिखां दा दिलों शुकराना करन दे लई सोशल मीडिया ते पोस्टां दा हड़ आया होया है। एक सिख वल्लों डुब रहे कश्मीरी नूं बचाउण लई वधाए गए हथ वाला कार्टून हिट चल रहा है। कार्टूनिस्ट सुहेल नक्शबंदी ने ट्वीट करके कहा, सरदारां दा मतलब है आगू जो अजिहा राह दसीरा हुंदा है जो सिर्फ नसीहता नहीं दिंदा सगो असली रूप विच उसनू अंजाम भी दिंदा है। हर थां ते सहायता दा हाथ वधाउण वालियां नू सिजदा। इस वेले वादी विच 80,000 तो वध सिख रह रहे हन। सिखां जथेबंदियां दे इस उपराले ने वादी विच रहिंदे कश्मीरी सिखां दा भी माण वधाया है। उन्हां दी सुरक्षा होर यकीनी हुई है। इह बहुत वड्डी गल है कि जो सिख अपने बुलंद हौसले अते अपनी मदद करन लई हमेशा जाने जांदे हन उन्हां दी मदद वास्ते भी कश्मीरियां वल्लों हुण हथ वधाए गए हन। थोड़ी इस बारे दे विच की राय है सानू कॉमेंट सैक्शन विच अपने विचार जरूर दसना। वधेरे खबरां दे लई तुसी बने रहो अजीत वैब टीवी दे नाल ते हुण मैनू इंद्रप्रीत कौर पन्नू नूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।